इस्लाम ये कुरान में है ना शेख, जुम्मा की जब अजान होती है तो खरीद और फरोख नहीं करना है, काम वगैरह नहीं करना है, तो औरतों के लिए भी ठीक है, क्योंकि जुम्मा खासकर जुम्मा के दिन घरों में बहुत सारा काम होता है, औरत को खरीदारी करने भी जाना पड़ता है कुछ सब्जी वगैरह, तो ये कर सकते हैं क्या शेख? देखिए कुरान करीम के अंदर जो आयत है वो आयत करीमा ये है, फैज़ा नो दिया सरा तिम योम जुमाती फस अव इला दिक्र अल्लाह व दरुल बैत, कि जब जुमा की अदान दे दी जाए तो अल्लाह तबारक तआला के जिक्र की जानिब दौड़ कर जाओ और बैत को छोड़ दो। तो यहाँ पे जो हुक्म मौजूद है ये मर्दों के लिए है, इसलिए कि जुमा में हाजिर होना वाजिब ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। जैसा कि दूसरी रिवायत के अंदर है कि औरत के ऊपर जुमा नहीं है, तो जिनके ऊपर जुमा वाजिब नहीं है उनके लिए ये तमाम चीज़ें खरीद फरोख्त करना और दीगर चीज़ें ये उनके ऊपर उनके लिए जायज़ हैं, वो कर सकती हैं। जैसे घरों के अंदर काम करने उससे मना नहीं किया गया, ऐसे ही औरत उस टाइम पे अगर मार्केट में है और सामान खरीद रही है, अदान हो रही है, तो उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि वो जुमा के लिए हाजिर हो, बल्कि वो अपनी जगह पे रहते हुए अपनी खरीद फरोख्त कर सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ मर्दों से मुताल्लिक है, औरतों से मुताल्लिक में नहीं है।